का प्रसिद्ध हूँ आप सभी के लिए गुड न्यूज है हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 3 लाख पद भरे जाने की बात किया गया है माननीय सीएम के द्वारा। यह 3 लाख पद जो होंगे वह अन्य विभाग में होंगे, शिक्षा के विभाग में होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अन्य विभाग में होंगे, 3 महीने में इसके एग्जाम कराए जाएंगे 3 महीने के अंदर, और आने वाला जो 6 महीने होगा वह यह 3 लाख जो रिक्तियाँ होंगी उसमें जो चयन होंगे जो व्यक्ति वह उसमें अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे 6 महीने के अंदर अंदर, इनका का नाम है और यह दावा के साथ आर्टिकल में भी छपा हुआ है पूरा बढ़िया से। तो क्या हमारे शिक्षा विभाग में भी आने वाला है? दूसरी तरफ एक बात कर लेते हैं, शिक्षा चयन आयोग जो है यह बनकर तैयार हो चुका है, एक्ट भी बन चुका है, कुछ नहीं राज्यपाल का सिग्नेचर है, कैबिनेट से जब पारित हो जाता है तो राज्यपाल के सिग्नेचर तो उनके हाथ में होता है, ये चीज़ें तो वो ले ही लेंगे क्योंकि राज्यपाल का मतलब कि उनका घर, जब चाहो तब अंगूठा छाप दो, है ना, समझ रहे हैं, अंगूठा का मतलब कि सिग्नेचर कर दो। और अगर बात करें तो एक्ट बन के तैयार हो गया, अब क्यों फंसा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, शिक्षा चयन आयोग क्यों कार्यरत नहीं है अभी फिलहाल में? इस वजह से कार्यरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इनको कार्यालय ढूंढने में समय लग रहा है कि कहाँ इसका कार्यालय होना चाहिए, है ना, कहाँ इसका कार्यालय हो इस बात को ढूंढ रहे हैं। कार्यालय बनने के तदुपरांत अभ्यर्थियों आपके यह जो शिक्षा चयन आयोग है यह तुरंत आ जाएगी, एक तरह से कार्यरत हो जाएगी या एक तरह से एक्टिव हो जाएगा बॉडी, और आपके सारे जो बैकलॉग वैकेंसियाँ हैं जो फॉर्म फिलअप करा लिए गए उनको कराते हुए प्लस यूपीटेट को कराते हुए प्लस जो 69,000 वाला पूरा सिस्टम है फैला हुआ है जो अभी देख रहे हैं फिर उसी स्टेज पे आ गया उसको फाइनल करते हुए ये सारी चीज़ें यह कंप्लीट कराते हुए फिर जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, मतलब सॉरी फिर वैकेंसी आएगी हमारे प्राथमिक के लिए। अब प्राथमिक की वैकेंसी इस बार इस लहर में आएगा जो पीएम का चुनाव है या फिर आने वाला जो 2027 का लहर होगा उसमें आएगा, ये बहुत बड़ी बात है, सोचनी है इस बात पे, हम आप बस एक तरह सोच सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी के लिए कुछ भी दम नहीं हमारे पास कि हम निकलवा दें कुछ भी कर लें, क्योंकि मार खा लें, पिट जाएँ, हॉस्पिटलाइज हो जाएँ, कुछ भी हो जाए हमारे घर वालों को फ़र्क पड़ेगा ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि पिछली बार आपने देखा था, इस बार फिर से देख रहे हैं बच्चे शांत हैं, जो थोड़े मोड़े धरने हो रहे हैं ना, अब 3 महीने बचा है आपको आचार संहिता में, 3 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा बच्चों, मार्च में, मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च की स्टार्टिंग में आचार संहिता लगता है, फिर उसके बाद समझ ही रहे हैं लीला समाप्त, 2027 का इंतजार करेंगे फिर हम लोग। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बच्चों कि क्यों बता रहे हैं कि हमारे राज्य में शिक्षा एक तरह से प्राथमिक में क्यों पद खाली है, क्यों पद रिक्त है, यह बात क्यों कर रहे हैं? फिर हमें दिखाया जा रहा है 51,000, हमें दिखाया जा रहा है 1,22,000, हमें दिखाया जा रहा है तरह तरह की बातें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तब भी आ रही है रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही है? बच्चों बता देते हैं, इस रिक्तियों को बार बार ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ समानुपात अनुपात जो शिक्षा है फलनवा ढकनवा है सब बराबर है, है ना, तो फिर भर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि बच्चों जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र भाई बहन अनुदेशक हैं उनको एक तरह से एज ए शिक्षक या मान लिए हैं जिससे उनको भी बुरा ना लगे, क्योंकि भाई चुनाव है ना तो सबको यह ले चल रहे हैं और हम लोग को तो साइड होना ही होना है, प्लस हम लोग साइड होंगे भी इस बार, इसमें घबराने वाली बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं उनको शायद इस बार थोड़ा मोड़ा धक्का उक्का लग जाए और लास्ट में 2027 में धक्का देके बाहर करना है, बस इस चीज़ को मान के चलना है मुझे, और प्लस राजनीति तो नहीं करनी है लेकिन क्या करेंगे हम लोग युवा हैं ना, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो राजनीति करना पड़ेगा बच्चों, तो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर हारा हुआ इंसान ना राजनीति में ही जाता है, तो राजनीति में जब तक कूदेंगे नहीं ना तब तक काम नहीं चलने वाला है, इनको इस बात का धक्का लगेगा नहीं जब तक बच्चों ना कि भाई अगर हमें नहीं दे रहे हो नौकरी तो भाई राजनेता ही बना दो, हम लोग पार्टी ही क्रिएट कर दें, कुछ कर दें, क्योंकि आपको पता है ना जो मर्डर करता है जो बहुत तरह तरह का चीज़ें संरचना वगैरह जो भी बनता है, अभी आपको पता है कि रिजल्ट भी आया था कि जो भी जितने भी हमारे सांसद हैं सबके मत्थे कम से कम नहीं तो 12 या 13 हत्या का रिकॉर्ड है, सोच लीजिए यह रिकॉर्ड है बच्चों उनके, और वह खुद कबूल किए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग भी इसी लाइन में आ जाएं फिर, जब इतना सस्ता रास्ता है और राजनीति में बहुत पैसे हैं सब बहुत शोहरत है हर चीज़ तो है, जब आप नहीं दे रहे हो तो फिर इसको झेलो, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो धरना करेंगे ही करेंगे, 1-2 महीने बचे हुए हैं अब वो चीज़ें कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करने पड़ेंगे इस बार बच्चों। देखिए 3 लाख पद की बात इन्होंने तो किया है लेकिन 3 लाख पद वो हमारे लिए बात नहीं किए हैं, वह अन्य विभाग के लिए बात किए हैं, अन्य विभाग में जो रिक्तियाँ उसको भरेंगे। शिक्षा चयन आयोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा चयन आयोग तो तैयार है, अब उसको कार्यक्रम अपना स्टार्ट किया जाना करना चाहिए, लेकिन यह अब अनुदेशक शिक्षा मित्र को उसमें क्यों भिड़ा रहे हो भाई, क्यों उनको भी वो खींच रहे हैं अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि उनके बिना इनका काम नहीं चलने वाला, ये तो एक एक व्यक्ति का वोट काउंट इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, समझ रहे हैं, तो फिर हमें क्यों निराश कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि बच्चों ये लीला है, अब इस लीला को हम आप नहीं समझेंगे, समझ रहे ना, आप 2027 से मिलिएगा,
अगर इस बार वैकेंसी नहीं आई 3 महीने के अंदर बच्चों, तो झेलना तो निश्चित है, स्वाभाविक रूप से सबको झेलना है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाले समय में तो नहीं आएगी बच्चों, 2027 से पहले, इनका ध्यान में रखना है और इस बार इनको धक्का लगना है। और हम लोग जोर शोर से इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और आप लोग को भी एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो समाज के लिए, तो ठीक है समाज के लिए हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो एक एजुकेशन के फील्ड में जो काम हुआ है बच्चों, उस हिसाब से आप चलिएगा। बस मैं नहीं कहता हूँ किसी पार्टी को सपोर्ट करो, किसी पार्टी विशेष के लिए आप बने हैं, नहीं, आपके लिए आपका जो कर्तव्य है, जो आपको मायने रखता है, जो आपकी पूजा है बच्चों, वो क्या है आपका एजुकेशन। अगर एजुकेशन के फील्ड में जो आपके तरफ से जो अच्छा काम कर रहा है विधायक सांसद, उसको आप अपने तरफ आकर्षित करिए, कोई बात नहीं, उसको लेके हम चलेंगे। अब यह नहीं कि जातिवाद होना चाहिए बच्चों, यही तो हमारे देश को विनाश करके कगार पे ले जा रहा है, समझ रहे हैं ना। और हर एक लोग बट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, किसमें, जात में नहीं, मतलब धर्मों में बट रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ को थोड़ा सा अगर लेके चला जाए ना, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक हो जाएं तो बच्चों, अब एक होने की बारी आ चुकी है, 3 महीने हैं। अब आप सोच सकते हैं, अभी 3 लाख की जो बात हुई है वैकेंसी की, वो हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें शिक्षा चयन मतलब शिक्षक से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप सोच सकते हैं फिर किस विभाग में 3 लाख हैं, कहाँ से आएंगे, 3 महीने में एग्जाम कराएंगे, 6 महीने में भर्तियाँ दे देंगे, मतलब एक तरह से चयन कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई दोराय नहीं, आपका मन का भड़ास जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो तक पहुँचे और कम से कम लाइक आएँ, कम से कम का मतलब कि मैक्सिमम बच्चे लाइक भी करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको शिक्षा मतलब एक तरह से उत्तर प्रदेश से जो वैकेंसी हैं, जो भर्तियां हैं, उससे रिलेटेड वीडियो और प्लस जो भी क्लासेस हैं वो मिलते रहेंगे। नमस्कार।